गला दबाकर बिस्तरे पर मार दिया और यहाँ भैंस वाला घर में लेटा दिया है, बोल रहा है। कैसे, किस जगह पे मारा गया था उस लड़की को और किस अवस्था में उस लड़की को पाया गया, वो सभी चीजें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही वो रूम है जहाँ पे पापा लोग गरीब है, नहीं दे रहा है तो बोलते हम नहीं रखेंगे, अपने पापा के घर चले जाओ, पापा घर पहुँचा। लोगों का कहना है कि यहाँ पे सब माना पीटी में सब छिटा हुआ है, जैसे नाक कान में कचूरी लाठी बाहर के फेंक दिए, जैसे हम लोग उधर गए तो कुल मिला के साजिश के तहत मारा गया है। सर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने देखा? अरे जाके वाइट DSP साहब से लेना, बेलसंड क्षेत्र के लोहासी गांव में, और यहां पे बहुत ही निंदनीय घटना हुई है। ये घटना इतना आपको भी जानने के बाद में आपको भी हैरानी होगी कि क्या हुआ है। हुआ है जो ये लोग ससुराल वाले क्या किया है, मेरा भगनी है, इसका माइको है यहाँ सिरसिया में, यहाँ ससुराल है, यहाँ क्या किया है जो दहेज के लिए बोल रहा था कि सर हमको गाड़ी चाहिए, पलंग चाहिए, बहुत सारा डिमांड रख रहा है कि हम उसको इतना चाहिए तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और 2 साल शादी हुआ है और तब इसको क्या किया है जो गला दबाकर बिस्तरे पर मार दिया और यहाँ भैंस वाला घर में लेटा दिया है, बोल रहा है कि यहाँ घर फसरी लगा लिया। और लोगों को कैसे पता चला? हमको पास फोन किया है कि मर गया, अपना ही से मर गया। हम लोग यहाँ आए हैं, देख रहे हैं कि वहाँ तो हाथावाही हुआ है, उसको बिखरा हुआ सामान है, बहुत सारा सामान बिखरा हुआ सबूत भी है, वहाँ से लेकर यहाँ लटाया गया है। तो देखिए यहाँ चार भी हम लोग का सर में सट रहा है ना, आप भी जाइए तो सर में सट रहा है, इसमें कैसे मर जाएगा? और कोई बच्चा है, बच्चा है कि उसमें उसको सटेगा तो नहीं सट सकता है, पैर नीचा सट रहा है, ऊपर 4 सट रहा है, उसमें लटक के कोई मर सकता है? ऐसे ही लोग मार दिया है। हम आए, हम लोग पर भी गाली भुगस बोल रहा है, बोलता है कि से अपने ही आके मार दिया है। गाड़ियों कहे कि तब मार देवे, एक महीना पसंद देवे मार देवे, कहे पहले से भी। हाँ पहले तो कहे पूरा, मतलब कि कहा जा सके कि दहेज प्रथा वाली केस। हाँ कहे ना कि पलंग तो चीज किया गया। हाँ पलंग न दे तो मार पलंग भी मांग रहा है, गाड़ी भी मांग रहा है, और नहीं देने के बाद पापा लोग गरीब है, नहीं दे रहा है तो बोलते हम नहीं रखेंगे, अपने पापा के घर चले जाओ, पापा घर पहुंचा देते हैं, और नहीं पहुंचाया नहीं, और मार के रख दिया वहाँ, बोलता है कि अपने ही मर गया, अपने कोई मरता है? 3-4 रोज पहले बोल रहा था कि इसको मार देंगे, तो मेरा भगनी सुन लिया तो बोल रहा था फोन पर अपने भाभी को कि भाभी हमको 2-4 दिन में मार देगा ये लोग बुझ रहा है कि मजाक कर रहा है कि थोड़ी ना मार देगा, ये वही हुआ है, आज मार दिया है। दहेज प्रथा के लिए लग, दहेज के लिए जी, ये मतलब इतना आदमी घिनौना काम कर रहे दहेज के लिए? मिला हुआ है भरपूर औकात से इसको फाजे। बहुत ही निंदनीय घटना है जिसको सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी कि दहेज के लिए एक लड़की को किस तरीके से। आइए हम उस लड़की को भी दिखाने का प्रयास करते हैं जो भी किस हालात में है। देखिए यहाँ पे इस जगह से कौन हिसाब से जैसे सुसाइड कर सकता है ये बतलाइए, जैसे फोन कर रहा है कि वहाँ पे इसको सास बोल रहा है कि इस जगह सुसाइड कर लिया है। देखिए अच्छा लड़की का सास है, लड़की का सास है। कैसे घटना हो गया है? घटना तो हम तो देखलिए, हम तो दाल चढ़ौले रहल है, बौआ दाल चढ़ौले रहल है, कि से दाल लेके उतार दे, धूप उग जाए माथा हमरा, तो गर्दन पे भी निशान है, तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं साजिश के तहत इस लड़की को मारा गया है, इस पे आप क्या कहेंगे? लेके अथी दाल उतार दलक आ चाह बनौलक से धूप उग जाए तो हमरा न बर्दाश्त। अच्छा एक चीज़ बताइए, गर्दन में भी रस्सी का चिन्ह है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक ये सच्चाई है? लेके वन में लेके रही है, लेके गेल है, लेके कहलक कि से नहीं ना तोरा घर अपना पुतो के भेल तो चाय हमरो दिलक है, बुढ़ऊ के दिलक है, तो दोनों गोटे निकल गए समधी घर बनाबे अलन तो पूछियो से हाँ कोनो चीज देखे के आ दे के सब पूरा घर भर के हमर लड़का करत रहल है। चाची विशेष चीज नहीं पूछेंगे आपसे, कहने की मतलब है जिस समय घटना हुआ आप उस समय घर पे नहीं थे ना, वन में छेड़छो। अच्छा तो आपको क्या लगता है लड़की के गर्दन में जो निशान है वो निशान कैसे पड़ा होगा? कैसे पड़ल होगा बतहिया? हाँ, आप बताइए बतहिया एगो है ना हमर जय धीए गल कही है कि घर पे नहीं थे, लेकिन एक संभावना आप व्यक्त कर सकते हैं कि आप अपने से सोचिए कि गर्दन में निशान लगने का मतलब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तजद खोलल का यह देख ले होता है, अपने आप को फांसी लगा लेगी, जो घर देखिए घर बुझे के पांच हजार फांसी है। सुनिए
अब लगे लड़का तो बोलता न है या चाहे कोनो तो न है से देखते चाहे किसो करते उ तो हमरा चखा चाह पी ली है अब कहली से तू हम लेके ध दे चाह पी ली है आ तब खाना लेके होत रहते से न कोनो बच्चा खाए वाला न किसी ओ सब के तब छै के होना करिया चाह तइयो चाहो न पियत रहल खाही के बेरी कोन हम खाइत रहली तब ये लड़का खाइत रहल चाह पियत रहल आ ये आइ लेके ये अथी कैलक हाँ कैलक लेके एना घास ला चल गई है तब तो खाए दाल कल कलक भात कल कलक तरकारी कैले कि चोखा कैले से हो बाबू अभी ना पहले से सब कुछ ठीक ठाक था सब अभी बनाए कल कलक वो दिन नहीं करने की मतलब पहले में आप लोगों के जो आपसी तालमेल था वो कैसा था ना अच्छा सा अच्छा था तो फिर ऐसा क्या नौबत आ गई कि लड़की को अपने आप को तो खैर आत्महत्या नहीं करती कौन करमा तमा एकरा चंदल बुढ़ी दल के कहत रहले हम हाँ, कुंभार में से ककरो हम मर जाबाय चाहे किछु हो भाई हम जे परिवार में आपके परिवार में कोई ऐसा पहले से ना दू बात नहीं था तो फिर क्या ऐसा नौबत आ गई कि सब हुआ ऐसा मार दिया वहां बोले ना वहां मार के यहां लेटा दिया कोई नहीं था घर के सदस्य सब भागा हुआ था एक बुढ़िया था बस तो बताया जा रहा है कि घर में जो आपसी तालमेल होता है वो तालमेल भी सब कुछ ठीक था सुनिए ना जब लड़की ठीक रहता है तो कैसे मर देगा कोई मर जाएगा अपने से जब खुश रहते हम खुश है तो हम कैसे मरेंगे वही चीज तो आप अपने से तो कोई आत्महत्या नहीं लगाया होगा कोई मर सकता है दूसरे ने मर देगा हम जब खुश है हम कैसे मर सकते हैं क्या चाहिए कर रहे हैं इसको बेटा इसको पति स्वर्ग में चला गया हमको बहिंदी से पहले स्वर्ग में चला गया कोई नहीं था जब मर ले जाएगा स्वर्ग में प्रभु यीशु का दया होगा तो ले जाएगा स्वर्ग में जल्द ले जाएगा। चलिए काफी लोग यहाँ पे नाराज दिख रहे हैं परिजन लोग हैं यहाँ पे सभी लोग जो है ना आपस में रो बिलख रहे हैं और लोग भी है और लोग सभी बात करेंगे क्या कहेंगे सर ये तो दुखद घटना है ही है लेकिन जानबूझ के हत्या ही करा गया है कोई साजिश के तहत हत्या किया गया है उन्हीं प्रक्रिया में हम लोग क्या है केस उस किए है उसको जैसे मार के उसको घर वाला जैसे भाग चुका है बाकी पोस्टमार्टम होने के बाद तो सच्चाई आ जाएगा सामने। पोस्टमार्टम होने के बाद दूध के दूध पानी के पानी आ जाएगा। तो क्या आप लोग क्या मांग करना चाहेंगे यहाँ के शासन प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए हैं? हमको उचित जो है हमको जो है इंसाफ होना चाहिए हमको साथ जो है उचित न्याय मिलना चाहिए न्याय मिलना चाहिए कि और बेटी बहू के साथ ऐसा ना हो बिल्कुल कि आज हम छोड़ देते हैं इसको बिल्कुल तो कल और बेटी बहू इसमें आएगा उसको भी हत्या ही कर देगा कोई भरोसा है इस आदमी को और सदस्य गांव के वो भी ग्रामीण सोचेगा जो हम फलानमा अपनी बहू की मार दिया है तो कुछ नहीं हुआ हम भी मार देंगे तो क्या होगा इतना दहेज अगर कम मिलेगा ना तो वो भी अपना बहू की मार सकता है कि नहीं अगर हम इस लोग को छोड़ देते हैं तो कल हो के दूसरा बहू बेटी अपना ही सदस्य बोलेगा कि जो नहीं हमको चाहिए अगर नहीं देगा बेटी है बहू आता है तो पराया होता है कहेंगे कि अपना बेटी समान समझिएगा तब ये अगर किसी को अब हत्या कर दिया किसी को कहीं सुसाइड नोटिस करवा रहे कि उस पर से कहीं से आपको लग रहा है कि आप देख रहे इतने पत्रकार है बहुत कवर न्यूज कवर किए हैं उससे कहीं से लग रहा है कि उसमें सुसाइड लग रहा है कि अपने पहले से बताया जा रहा है कि लड़की और जो परिवार वालों के बीच तालमेल था हाइट के भी हिसाब नहीं कहीं से अपने से सुसाइड करने वाला में देखिए ना कि वही ठन फांसी लगा ऐसा तो जगह है ही नहीं कि लोग फांसी लगा सके बैठे हुए रहेगा तभी उसमें सटेगा कोई यहां पर देखिए ना कि यहां पर नहीं देखे हां देख रही है इधर आइए इधर आइए इधर आइए क्या कहाँ पे अच्छा वहीं पे फांसी लगाने के बताया जा रहा है अच्छा रस्सी भी वहाँ पे देखिए रस्सी देखिए वहाँ पे रस्सी भी रखा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं काट के उतार दिया हुआ है क्या प्रशासन को आने से पहले रस्सी जैसा काट के उतार दिया है अच्छा एक एक को फॉरवर्ड नहीं जब प्रशासनिक कार्रवाई होता है तो इसको रखना ना चाहिए कि उसमें आप लोगों को कैसे पता चला कि आपके परिवार वालों के साथ ऐसा घटना हो गया हमको कोई और आदमी बगल से सूचना मिला कि आपको भंजी को ऐसे ऐसे होगी हम बाबा एक्सप्रेस न्यूज के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि घटना के जो स्थिति है बहुत ही निंदनीय घटना है यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं तमाम लोग इस घटना को छानबीन कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं लोगों से कि आखिर ये मामला कैसे हुआ है सर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों ने देखा अरे जाके हो जा वाइट डीएसपी साहब से लेना वाइट देने का हम लोगों का अच्छा वाइट देने का अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है चलिए बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए बाबा एक्सप्रेस न्यूज़ धन्यवाद।